आज की जो हमारी वीडियो है वो एक नए बिगनर जो नए फोटोग्राफर्स हैं उनके पास बजट कम है और वो एक अच्छा खासा नया फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहते हैं बट उनके पास बजट कम है, क्या करें वो। तो ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे आज होने वाली है कि ऐसा कौन सा एक अच्छा खासा कैमरा है जो कि फुल फ्रेम कैमरा परचेज करें वो भी कम बजट में। तो हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल्स। तो आज की जो वीडियो है हमारी एक ऐसे फुल फ्रेम कैमरे के ऊपर होने वाली है जो कि एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा है। तो ये जो कैमरा है काफी कमाल का कैमरा है, इससे जो आप फोटोग्राफी करोगे वो काफी हाई लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हो। आप इस कैमरे से अच्छी खासी वेडिंग शूट कर सकते हो और भी जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनकी भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हो। और चाहो तो आप इसके अंदर जो वीडियो करना चाहते हो आप तो इसके अंदर आप वीडियो भी कर सकते हो। तो ये जो हमारा कैमरा है ये है निकॉन का Z5 कैमरा। ये काफी अच्छा कैमरा है जो कि ये एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है जो हमारे नए बिगनर्स हैं जो पहले क्रॉप सेंसर कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करते थे और जो आजकल के नए लड़के वगैरह हैं जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं अब वो चाहते हैं कि अब हम क्रॉप सेंसर से अपग्रेड करके फुल फ्रेम कैमरे में जाए और बट उनके पास इतना बजट है नहीं जो वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा खासा मिररलेस कैमरा या DSLR परचेज करें। तो आज मैं इस कैमरे की करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और कुछ इस कैमरे के मैं रिव्यू बताऊंगा जो ये कैमरा अच्छा है और किन फोटोग्राफर के लिए ये कैमरा है। तो दोस्तों ये जो हमारा कैमरा है ये है निकॉन का Z5 कैमरा और ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा है। और अब हम इस कैमरे की करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस कैमरे के अंदर में क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डब्बे के ऊपर हमें क्या क्या चीजें लिखी हुई दिखती है। यहाँ पे आप डब्बे के ऊपर देखोगे ये जो है हमारा किट, ये है Z5 के साथ जो हमारा 24-200mm का लेंस आता है और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके साथ आपको 64GB का मेमोरी कार्ड साथ में इसके मिलता है आपको। आप कर लेते हैं इस कैमरे की अनबॉक्सिंग। तो जैसे ही मैं इस डब्बे को ओपन करूँगा तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके अंदर ये हमें मिलती है एक मैनुअल बुक, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ लो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो इसकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या क्या इसके अंदर फीचर है वो सारी चीज़ें इस बुक्स के अंदर आप पढ़ के इस कैमरे को यूज कर सकते हो। तो इसे अभी हम साइड में रख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको जो इस कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलेगी 2 ईयर्स की इसके अंदर आपको वारंटी देखने के लिए मिलेगी जो कि निकॉन के सभी सेंटर से हमें प्रोवाइड होती है। और उसके बाद हमें इस कैमरे में जो हमारे साथ में 64GB का फ्री मेमोरी कार्ड आया था वो मेमोरी कार्ड घेरा और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कार्ड और मिलेगा जो कि अगर आप अपने कैमरे को रजिस्टर करते हैं निकॉन की साइट पे तो आपको इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं और जैसे कि रजिस्टर करोगे तो आपको क्या पता क्या कुछ ऑफर मिल जाए या तो कैमरे की बैटरी मिल जाए या तो बेल्ट वगैरह जो कैमरे की होती है वो आपको इसके अंदर मिल सकता है। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी जिसके अंदर आपको हर सर्विस सेंटर का लोकेशन दे रखा होगा इसके अंदर, तो वो आप आराम से इसके अंदर लोकेशन देख सकते हैं जो कहाँ कहाँ निकॉन की सर्विस सेंटर है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो अब जो हमारी निकॉन की पैकिंग आती है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसमें। अब जो निकॉन के कैमरे पैक होके आते हैं मिररलेस, तो अब हम इसमें से करते हैं अनबॉक्स। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा तो यहाँ पे जो हमारा लेंस का हुड, ये हमारे जो लेंस का हुड है ये काफ़ी अच्छा हुड है जो कि आपका ये 24-200mm लेंस पे लगता है ये हुड। और ये हुड की बात करूँ बिल्ट क्वालिटी की तो इसकी बिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं अभी। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें निकॉन का बेल्ट जो कि जिस कलर से हमारा निकॉन का जो का लोगो है उसी कलर में यह आपको निकॉन की बेल्ट मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी बेल्ट है। और फिर उसके बाद में हम इसमें देखते हैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलती है अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो ये जो है हमारा एडेप्टर, ये निकॉन का एडेप्टर है FTZ माउंट। अगर आपके पास पुराने निकॉन के लेंसेज हैं आप चाहते हो उसे यूज़ करें तो अगर आप इस कैमरे में तो वो लगेंगे नहीं तो उसे यूज़ करने के लिए आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो FTZ अडेप्टर है। आप इस अडेप्टर के अंदर अपने पुराने लेंसेज को लगा के आसानी से यूज़ कर सकते हो इस कैमरे पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपको एक पावर केबल मिलेगी जो कि आप अपने चार्जर पे लगा के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये पावर केबल भी काफ़ी अच्छी बिल्ट क्वालिटी का है। और फिर उसके बाद हम आगे इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा निकॉन का चार्जर, ये निकॉन का ओरिजिनल चार्जर है और ये चार्जर काफ़ी अच्छा चार्जर है, अगर आप इसमें आप अपनी निकॉन की बैटरी चार्ज करते हो तो ये काफ़ी
जल्दी हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है। और हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं हमें क्या चीज़ मिलता है। उसके बाद आपको इसमें निकॉन की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि पहले के जो कैमरे हैं सेम बैटरी इसके अंदर भी दी गई है निकॉन की, जो कि आप अपने मिररलेस कैमरे में लगा सकते हैं। और बात करूँ इस कैमरे की बैटरी की एमएच की, तो ये हमारी जो बैटरी है 2280 एमएच की बैटरी है निकॉन की। ये हमारी काफ़ी पावरफुल बैटरी है, इससे अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो बहुत सारे आप इसमें शॉट क्लिक कर सकते हो, और वीडियोग्राफी भी करते हो तो ये आपकी अप्रॉक्स 1 घंटे तक ये बैटरी आपकी चल जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें, इसके बाद आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा हमारा ये 24-200 mm का लेंस। ये जो हमारा लेंस है ये जेड माउंट का लेंस है और ये काफ़ी अच्छा लेंस है। और ये जो लेंस है हमारा 24-200 mm का लेंस है। और इसकी बात करूँ तो इसके जो अपर्चर जाता है वो जाता है हमारा F4 तक इसका अपर्चर जाता है। और ये जो लेंस है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लेंस है, वो भी निकॉन का। और ये जो लेंस है इससे अगर आप फोटोग्राफी करते तो आपकी जो इमेज है वो काफ़ी हाई डेफिनेशन की इमेज आती है, और जो इमेज में जो शार्पनेस आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि ये जो हमारा लेंस है जेड माउंट का नया लेंस है ये, जो कि मिरर लेंस कैमरे जो हैं निकॉन के वो जेड माउंट के ही आते हैं। तो इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। और उसके बाद आपको फाइनली इसके अंदर मैं दिखाता हूँ ये जो हमारा है कैमरा, वो कुछ इस पैकिंग में आता है, जो कि आप कपड़े की पैकिंग दी है। और उसके बाद ये एक फोम वाली पन्नी के अंदर भी होता है। और इसके बाद हम जब निकालेंगे, आप कैमरे को देखो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है कैमरे की, और जो मेरा हैंड है वो मैं काफ़ी स्टेबल तरीके से इस कैमरे को पकड़ सकता हूँ। अब हम बात करते हैं इस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी की। तो ये जो हमारा कैमरा है निकॉन का Z5, ये काफ़ी अच्छा कैमरा और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए यहाँ मिल रही है। और इसमें जो बटन है वो भी काफ़ी अच्छे स्मूथ बटन दे रखे हैं, जिसे आप आराम से इजीली बटन को दबा के सारे जो इसके मोड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो इस कैमरे के अंदर आपको एक जॉयस्टिक भी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर। ये जॉयस्टिक भी काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे आपको काफ़ी सारे बटन देखने के लिए मिलेंगे, जो इन सभी का कुछ ना कुछ यूज है। उसके बाद इस कैमरे के अंदर आपको यहाँ पे ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिलेगा, और यहीं साइड में आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का भी बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो पीछे के साइड भी इसका डिजाइन काफी अच्छा दे रखा है, और अगर हम आगे से देखते हैं इस कैमरे की तो इसकी डिजाइन काफी अच्छी है। और वहीं हम बात कर लेते हैं इस कैमरे की ग्रिप की, तो जैसे सोनी का कैमरा है हमारा अल्फा वगैरह, तो उसकी जो ग्रिप है वो काफी छोटी दे रखी है, तो जो हमारे हैंड है अगर हम हैंड से पकड़ते हैं तो वो हमारे हैंड में प्रॉपर नहीं आ पाती। और वहीं हम निकॉन की ग्रिप की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी ग्रिप है, जैसे मैं अपने हैंड से इसे पकड़ता हूँ तो ये ग्रिप मेरे हाथों में काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कमाल की चीज़ है, जिससे कि आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं और हैंड भी आपका अच्छा खासा स्टेबल रहेगा। और यहाँ आपको साइड में कैमरे के इधर आपको बहुत सारी HDMI पोर्ट और जो आपके ये जो ऑडियो वगैरह के जो पोर्ट होते हैं वो सारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप माइक भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और उसी के बाद अब हम कर लेते हैं इस कैमरे की कुछ स्पेसिफिकेशन की बात। उससे पहले हम इस कैमरे के अंदर अपना लेंस लगा के देखते हैं और बैटरी डाल के देखते हैं कि हमारे जो कैमरे के जो मेनू है वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे इसका ये रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ लेंस सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम अपना लेंस लगा लेते हैं इस कैमरे में, तो ये हमारा कैमरा कुछ इस टाइप का देखने के लिए आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी आपको DSLR वाली भी फीलिंग आएगी इस कैमरे के लिए। लेंस लगाने के बाद आपका कैमरा थोड़ा हैवी हो जाता है। और उसी के बाद अगर मैं इसमें अपना, जैसे कि ये हमारा हुड है, इस हुड को भी लगाता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं हमारा कैमरा किस टाइप का दिखता है। और ये जब मैं हुड लगा लेता हूँ लेंस के, जब मैं ये हुड लगा लेता हूँ लेंस के ऊपर, तो उसके बाद जो हमारा कैमरा देखने के लिए मिलता है, काफ़ी प्यारा और सुंदर सा कैमरा हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रोफेशनल कैमरा है, तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी दी गई है, जिस हिसाब से ये मिरर लेस कैमरा है। तो और फिर उसके बाद मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ इसकी जो मेनूज वगैरह हैं वो किस टाइप के हैं। और यहाँ पे जो हमें इसके मेनू, ओहो मैंने अभी बैटरी नहीं लगाया, क्या मेनूज देखूँ। पहले हम लगा लेते हैं इसमें बैटरी, फिर उसके बाद देखते हैं इसके मेनूज। अब मैं इसमें लगा लेता हूँ अपनी ये निकॉन की बैटरी। अब जब मैंने इसमें बैटरी लगाई तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे इसके सारे फंक्शंस ऊपर ही आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जो कि आपको जो भी सेटिंग करनी है आप डिस्प्ले पे कर सकते हो। और इसकी जो डिस्प्ले है वो फुल टच डिस्प्ले है इसकी, जिसपे आप टच करके भी अपने फोकस को ट्रैक कर सकते हो, और जहाँ पे आपको फोकस रखना है वहाँ पे आप उंगली से वहाँ करके
और अपने फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद मैं देखता हूँ इसके मेन्यू, तो इसके मेन्यू काफ़ी जैसे हमारे पुराने कैमरे में मेन्यूज़ वगैरह देखने के लिए मिलते थे निकॉन के, सेम उसी टाइप के मेन्यूज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें कुछ अपग्रेड चीज़ें भी है जो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको कुछ ना कुछ नए फीचर्स वगैरह इस कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहीं पर अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरे की कुछ स्पेक्स की बात। तो ये जो हमारा कैमरा है, सबसे पहले हम कैमरे की प्रोसेसर की बात करेंगे। तो इस कैमरे के जो प्रोसेसर वो एक्सपीड 6 का प्रोसेसर है इसके अंदर। तो जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई स्पीड का प्रोसेसर है, जो कि आपकी प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। और सबसे पहले हम इस डिब्बे को करते हैं साइड, फिर हम आराम से बात करते हैं इस कैमरे के बारे में। और इस कैमरे के अंदर आपको 273 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अपने सब्जेक्ट को कहीं भी ट्रैक करके क्लिक करके ऑटो फोकस का मजा ले सकते हैं। और उसी के साथ इस कैमरे के अंदर आपको 24.3 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं इस कैमरे के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। आजकल सभी कैमरे 24 मेगापिक्सल या 30 मेगापिक्सल और उससे भी हाई मेगापिक्सल के सारे कैमरे आ रहे हैं, बट ये एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा है, तो इसके अंदर आपको 24.3 मेगापिक्सल ही देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं हम इसके लेंस की बात करें, तो आप इसके अंदर कौन सा लेंस लगा सकते हैं, तो इसके अंदर आपको जेड माउंट लेंस लगाने का ऑप्शन है, जो कि मिररलेस कैमरे हैं जितने सारे निकॉन के, उसके अंदर आपको जेड माउंट के ही लेंस लगते हैं। और आगे हम इस कैमरे के अंदर देखें, तो आपको जो जैसे हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं या वीडियो शूट करते हैं, तो उसमें जो हमारी वीडियो वगैरह होती है वो काफ़ी सेक आती है। तो इस कैमरे के अंदर ही आपको, इस कैमरे की बॉडी के अंदर ही आपको 5x स्टेबलाइजेशन दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं या फोटो शूट करते हैं, तो आपकी इमेज ना ब्लर होगी और ना ही आपकी वीडियो हिलेगी। वहीं हम इस कैमरे की व्यू फाइंडर की बात करें, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर के अंदर आपको 3.69 मिलियन डॉट्स मिलते हैं, जो कि अगर आप अपनी इमेज को अगर व्यू फाइंडर के अंदर देखोगे, तो जो चीज़ आपको दिखाई देगी वही सेम चीज़ आपकी पिक्चर में भी आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है इसके अंदर। स्क्रीन की बात करें, तो इस कैमरे की जो स्क्रीन है 3.2 इंच की स्क्रीन है, जो कि आजकल सभी कैमरे में जो स्क्रीन आ रही है वो काफ़ी वेरी एंगल स्क्रीन होती है, जिसे आप घुमा के कहीं भी अपने शॉट क्लिक कर सकते हो। बट इस कैमरे के अंदर आपको टिल्टेबल स्क्रीन दी गई है, अगर इसके अंदर आप सिर्फ लो एंगल से ही अपने स्क्रीन को निकाल के शूट कर सकते हैं। बस यही एक इस कैमरे के अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक दे दिया गया है। अब जो हमारे कैमरे के अंदर मेन चीज़ की बात आती है, जो कि सभी कैमरों की मेन चीज़ होती है, वो होती है ISO, जो कि फेक लाइट होती है। उसकी बात करें हम, तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेकर 51,200 तक की ISO रेंज मिलती है। अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये आपका 2,48,000 के समथिंग जाता है। और वहीं फोटोग्राफी की तो बात हो गई इस कैमरे की, अब हम करते हैं इस कैमरे की वीडियोग्राफी की बात। तो अगर आप इस कैमरे से अगर वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी हाई डेफिनेशन में इसमें आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और बात करें इस कैमरे की, अगर इसके अंदर आपको वीडियो शूट करना है, तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन आप 30fps पे ही शूट कर सकते हैं। और वहीं आप अगर इसके अंदर फुल HD वीडियो शूट करते हैं, तो इसके अंदर आपको 60fps देखने के लिए मिलता है। वहीं हम कैमरे की कंटिन्यूस शूटिंग की बात करें, तो इसके अंदर आप 4.5fps तक कंटिन्यूस शूटिंग कर सकते हैं। इस कैमरे के अंदर भी आपको डुअल SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो कि आपका UHS सेकंड, जो आज के नए SD कार्ड चल रहे हैं, वो दो कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इसके अंदर एक नया फीचर और दे दिया गया है इस कैमरे के अंदर, जबकि एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा है फुल फ्रेम, बट इसके अंदर भी जो सारे फीचर सभी कैमरे में मिले वो फीचर भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है। अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो अगर आपके पास पावर बैंक है, तो अपना सी टाइप केबल लगाइए और पावर बैंक के थ्रू अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। और वहीं इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि अगर आपको किसी को फोटो ट्रांसफ़र करना है या किसी को भेजना है, तो आप आराम से वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा अपनी फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। और वहीं इस कैमरे के हम लेंस की बात करें, तो इसके अंदर आप और भी कई सारे किट लेंस आते हैं इस कैमरे के साथ, तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 24-200mm का लेंस लगा रखा है, बट अगर आपको 24-200mm का लेंस नहीं लेना, दूसरा लेंस लगाना, तो आप 24-70mm का लेंस लगा सकते हैं। और वहीं इसका एक स्मॉल साइज का भी लेंस आता है, जो कि 24mm x 50mm का लेंस आता है, वो भी किट के साथ अवेलेबल है। अब वहीं हम इस कैमरे की प्राइस की बात कर लें, तो ये कैमरा इजीली मुझे जो
24-200 mm के साथ जो मिला है, ये कैमरा मुझे 1,45,000 का मिला है। वहीं इस कैमरे को अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इस कैमरे के प्राइस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, बट अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज करते हैं तो ये कैमरा आपको इजीली 1,45,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस कैमरे के स्पेसिफिकेशन और इस कैमरे की क्या क्या जो रिव्यू है छोटा सा, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तो दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय।